एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत बार VRB, फ्लाईओवर ब्रिज, रेलवे ब्रिज, हाईवे ब्रिज से गुजरता है, लेकिन कभी इंसान का ध्यान नहीं जाता कि किस तरह का स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर होने के नाते हमें देखना चाहिए कि हम जिस स्ट्रक्चर से गुजर रहे हैं वो काई का बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो कुछ ऐसी बात है जो आपने किताबों में बहुत सुनी होगी, स्टीफनर्स, गसेट प्लेट, बट जॉइंट, वोल्टेड कनेक्शन और भी प्लेट गर्डर। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की गई है। चिपक के बैठ जाइए क्योंकि बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, आप पूरा देखेंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके सारे जो भी मैंने नाम लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेट गर्डर और इसके कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लेट गर्डर आखिर क्या होती है। बेसिकली प्लेट गर्डर कुछ नहीं है, एक आई बीम सेक्शन है। और ये कैसे बनाया जाता है, ये प्लेट्स जो होती हैं स्टील की मोटी मोटी प्लेट्स, इनको आई सेक्शन में वेल्ड करके बनाया जाता है। और अब प्लेट गर्डर यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए। प्लेट गर्डर के बारे में बस आप इतना जान लीजिए, काफ़ी है। बाकी इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो अब हम आगे बात कर लेते हैं। बेसिकली प्लेट गर्डर के तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला है वेब, दूसरा है फ्लेंज, तीसरा है स्टीफनर। तो ये क्या होते हैं ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेब की। वेब क्या होती है, जो आई सेक्शन का बीच का वर्टिकल जो पार्ट है, जो वर्टिकल प्लेट है, ये है वेब। और वेब का काम होता है जो प्लेट गर्डर में शियर डेवलप हो रहा है उसको रजिस्ट करने का। और दूसरा ये कि ये फ्लेंज को अलग अलग करती है, दोनों जो बॉटम और टॉप फ्लेंज है वो हम वेब के साथ अटैच कर देते हैं। तो वेब का अलग काम है, फ्लेंज का अलग काम है। तो अब आगे हम बात करेंगे फ्लेंज के क्या काम है। किसी भी आई बीम सेक्शन में दो फ्लेंज होते हैं, एक बॉटम फ्लेंज और एक टॉप फ्लेंज। तो फ्लेंज का जो काम है वो होता है बीम के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, गर्डर के अंदर बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप हो रहा है उसको रजिस्ट करना। टॉप फ्लेंज रजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट बाय डेवलपिंग कंप्रेशन एंड द बॉटम फ्लेंज रजिस्ट द टेंसाइल फोर्स। बस इतना सा फ्लेंज का काम होता है, बीम का अलग हो गया, फ्लेंज का अलग अलग हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टीफनर्स क्या होते हैं। एक प्लेट गर्डर में मुख्यतः दो तरह के स्टीफनर्स होते हैं, पहला है वर्टिकल स्टीफनर और दूसरे हैं हॉरिजेंटल स्टीफनर्स। तो वर्टिकल स्टीफनर्स हैं उनको भी दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होते हैं इंटरमीडिएट स्टीफनर्स और एक होते हैं एंड स्टीफनर्स। अब मैं अब दोनों के आपको यूज बता देता हूँ। जो एंड स्टीफनर्स होते हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं एंड्स पे। तो एंड्स पे क्या होता है कि जो गर्डर है वो कंप्रेसिव नेचर में होती है, वहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, नीचे से सपोर्ट भी है और ऊपर से लोड भी है। तो जो वेब है वो क्रश ना हो जाए, उसको क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाए, इसलिए वहाँ पे एंड स्टीफनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंड स्टीफनर्स इम्पार्ट द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेब। अब दूसरे हैं वो हैं इंटरमीडिएट स्टीफनर, वो प्रोवाइड किए जाते हैं बीच बीच में, पूरी वेब में वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, वर्टिकली प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए उन्हें वर्टिकल स्टीफनर्स भी कहते हैं। दूसरा नाम ट्रांसवर्स स्टीफनर्स भी इनका है। तो इनका काम है जो वेब है उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना इनका काम है। जब हमारी वेब की थिकनेस बहुत कम हो या उसकी डेप्थ के अनुपात में, तो इंटरमीडिएट स्टीफनर काम लिए जाते हैं ताकि वेब की बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ये तो हो गई वर्टिकल स्टीफनर या ट्रांसवर्स स्टीफनर्स की बात। अब बचे हॉरिजेंटल स्टीफनर्स। हॉरिजेंटल स्टीफनर्स लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये फ्लेंज के पैरेलल इनको एक तरह से लगाया जाता है वेब पोर्शन में, और इनका काम भी वेब पोर्शन की बकलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, बकलिंग रेजिस्टेंस बढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं गसेट प्लेट की। गसेट प्लेट कहाँ लगती है वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। गसेट प्लेट कुछ नहीं, स्टील की एक सीट होती है जिसके ऊपर हम कई डिफरेंट मेंबर्स को अटैच कर सकते हैं और फिर उसको फास्टन कर सकते हैं परमानेंट मेंबर के साथ, जिसे जॉइंटिंग करने में आसानी होती है और इससे जॉइंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। एक प्लेट है, उसके ऊपर 3-4 एंगल को वेल्ड कर दिया और फिर उस प्लेट को फिक्स कर दिया। अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है बोल्टेड कनेक्शन, और ये दो बीम को आपस में जुड़ा हुआ है, और ये है बट जॉइंट बोल्टेड कनेक्शन। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना आपने।